महादेव बुक आईडी से सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ दुर्ग पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से भिलाई लौट कर आए तीन ऑनलाइन सटोरियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि तीनों सटोरियों ने गार्डन में अपनी दुकान खोल रखी थी। पुलिस ने तलाशी में तीनों सटोरियों के पास से दो लैपटॉप, एक टैबलेट, पांच मोबाइल फोन, तीन ATM और एक चेकबुक बरामद की है। दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि कुछ लोग अंबेडकर गार्डन सेक्टर 1 में लैपटॉप के जरिए संदिग्ध गतिविधियां कर रहे थे। लोगों से मिली सूचना पर पुलिस ने गार्डन में दबिश दी और मौके से हाउसिंग बोर्ड निवासी नितिन मिश्रा, सुंदर विहार कॉलोनी निवासी विवेक शास्त्री और वैशाली नगर निवासी अमित सिंह को गिरफ्तार किया गया। वहीं पूछताछ में तीनों सटोरी ने बताया कि पहले हिमाचल प्रदेश के शिमला गए और वहाँ पर वे 6 पैनल चला रहे थे, लेकिन नुकसान होने के कारण वापस भिलाई लौटे और नागपुर से 6 लाख रुपए में आईडी खरीदी और सट्टा खिलाना शुरू किया। इन दिनों दुर्ग पुलिस की सक्रियता को देखते हुए तीनों सटोरियों ने गार्डन से ऑपरेट करने का प्लान बनाया, लेकिन यहां भी वे बच नहीं पाए। कार्रवाई करते हुए उनका 13वां ब्रांच जो है वो पुलिस ने आज बस किया है, जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला में चल रहा था। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 2 लैपटॉप, 1 iPad, 5 मोबाइल, भी बैंक अकाउंट जब्त किया गया है। बैंक अकाउंट से पिछले 1 महीने में 40 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ था। इनके द्वारा 20,000 रुपये दे के 6 लाख में ID भी दिलवाई जा रही थी और दुबई जाने वालों के लिए पासपोर्ट भी बनवाया जा रहा था। इनके पास से कुछ अहम जानकारी मिली है, जिससे आने वाले समय में कुछ और ब्रांच बस्ट किए जा सकते हैं।